हाय दोस्तों, मेरा नाम अतुल मैथिल, आपके अपने यूट्यूब चैनल UHQ रिलेशन आर्मी में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि मेरे कुछ सब्सक्राइब भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर जो ये मई में रिलेशन भर्ती आने वाली हैं, क्या ये कैंसिल होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, वैसे तो भाई मैंने अपने चैनल पर इन सेंटरों के बारे में वीडियो अपलोड कर रखी है, तो भाई अगर आपको जब भी कोई डाउट हो तो भाई उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। और मैं पर्सनली इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा, जो इन सेंटरों की रिलेशन भर्ती है, क्या इसमें स्पोर्ट्स के बंदे भी देख सकते हैं। हाँ भाई, इसमें स्पोर्ट्स के बंदे भी देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँगा, अगर आप स्पोर्ट्स से भर्ती देखते हो तो आपको कौन सी ट्रेड मिलेगी, यानी कि आपको डायरेक्ट सोल्जर GD मिलेगी या नायक हवलदार मिलेगी या मेजर मिलेगी या सूबेदार मिलेगी। तो दोस्तों आपको मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को भाई शुरू से लास्ट तक देखना आपको। ठीक है भाई, चाहे आप स्पोर्ट्समैन की भर्ती देखते हो या उस रिलेशन भर्ती देखते हो या ओपन भर्ती देखते हो, ये भाई सब आप सबके लिए वीडियो ज़रूरी है भाई। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखना, ठीक है, आपको मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले तो भाई आप इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना। इसमें क्या है कि भाई जो अगर आप स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट से कहीं भी रिलेशन भर्ती देखने जाते हो तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी और कौन सी स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट से आप भर्ती देख सकते हो ओपन की, तो इस वीडियो को भाई आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, ये मैंने यानी कि 3 घंटे पहले अपलोड की है। तो और भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि मैंने किया हुआ है। ठीक है भाई, ये आपका रेड कलर का होगा, इसको प्रेस कर देना, ये इस प्रकार का हो जाएगा, और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर देना। इससे क्या होगा कि कोई भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलते हैं भाई हम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ये रिलेशन भर्तियों के बारे में बता देता हूँ, और फिर भाई मैं आपको बताने वाला हूँ जो अगर आप स्पोर्ट्स की भर्ती देखोगे तो किस पोस्ट में आप लगोगे। ठीक है, तो भाई वीडियो को देखना, स्टार्टिंग से देखना। ठीक है भाई, तो सबसे पहले भाई मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैकली जो रेजिमेंट सेंटर है रामगढ़ में, जो इसकी रिलेशन भर्ती है भाई 9 से 10 मई के बीच में चलेगी, ये कैंसिल नहीं है। ठीक है भाई, मैं आपको ये वीडियो भाई मैं तीसरी बार बना रहा हूँ। ठीक है, ये यानी कि ये भर्ती कैंसिल नहीं है। जैसे कि भाई कुछ भाई पूछ रही हैं कि पर्सनली फ़ोन करते हैं मेरे पास, अगर आपको भी कोई डाउट तो क्लियर नहीं हुआ तो मुझे आप पर्सनली फ़ोन कर लेना। ठीक है, जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है वही मेरा पर्सनली नंबर है, आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपके आंसर का जवाब ज़रूर दूंगा। तो भाई जो जैकली रेजिमेंट सेंटर है इसकी भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, आपको बता देता हूँ। इसमें भाई स्पोर्ट्स वाले बंदे जा सकते हैं। और जो भाई फिर है भाई MEG सेंटर, ठीक है भाई, मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर जो कि बेंगलोर में है, इसकी 11 मई से भर्ती है। ठीक है भाई, ये भी कैंसिल नहीं हुई है। आपको एक बात बता देता हूँ भाई, अगर जो हमारा लॉकडाउन 14 तक रहा तो भाई ये भर्ती होंगी ज़रूर। अगर 14 डेट बढ़ा दी 31 यानी कि 30 अप्रैल कर दी, और 30 अप्रैल से और अधिक कर दी, तो भाई आप ही मान लो कि ये भर्ती नहीं होंगी। नहीं भाई, ये भर्ती होंगी कंफर्म है, यानी कि लॉकडाउन हमारा अभी 14 अप्रैल तक है, और उसके बाद की भाई कोई पता नहीं है, किसी को भी भर सकता है या उतना ही रहेगा। ठीक भाई, ये भर्ती हमारी होने वाली है। हाँ, फिर भाई तीसरे नंबर पर MIRC जो कि अहमदानगर में है, मैकेनिज इन्फिनिटी रेजिमेंट सेंटर, इसकी भाई 11 मई से भर्ती है। इसमें भाई स्पोर्ट्स और रिलेशन वाले बंदे जा सकते हैं, ये भर्ती भी कैंसिल नहीं है। फिर भाई चौथे नंबर पर राजपूत रेजिमेंट सेंटर, ठीक भाई, राजपूत रेजिमेंट सेंटर जो कि फतेहगढ़ में है, इसकी भी 11 मई से भाई हैं, इसकी भी भर्ती कैंसिल हुई भाई। जो 3 भर्ती हैं भाई ये 11 मई को हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सेंटर है, तो आपको उसी सेंटर में जाना है। तो फिर है भाई पाँचे नंबर पर आर्टलरी सेंटर जो कि हैदराबाद में, तो भाई ये सेंटर काफ़ी अच्छा है, अदर के बच्चे इसमें ज़्यादा लगते हैं, तो इसकी भर्ती जो है भाई 18 से 22 मई के बीच में चलेगी। आप इस सेंटर की जो भर्ती है वो भी कैंसिल नहीं है, आप इस सेंटर में भी जा सकते हैं। फिर भाई छठे नंबर पर हमारी महार रेजिमेंट सेंटर जो कि भाई 8 जून से भाई, ये भर्ती के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ, ये इसका नोटिफिकेशन कंफर्म है, यानी कि ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी भाई जब तक, तो भाई क्या से क्या हो जाएगा, तो ये भर्ती तो भाई कैंसिल के कोई चांस नहीं है, जो कि सागर में। ठीक है, इस सेंटर में मैं भी गया हूँ, सेंटर तो इतना ठीक नहीं है पर ठीक है। और भाई फिर है सातवें नंबर पर जैक राइफल रेजिमेंट सेंटर, ठीक है भाई, जो कि जबलपुर में है, जिसे हम बोलते हैं भाई जम्मू एंड कश्मीर राइफल, ठीक है भाई, जम्मू एंड कश्मीर राइफल, जिसकी भर्ती भाई 4 मई से है।
तो ये भी कैंसिल नहीं है, ठीक है भाई। और फिर भाई जो कि अभी फ़िलहाल में ही हमारा नोटिफिकेशन आया था, यानी कि चार्ट आया था 8 नंबर पर, जो हमने रखा पंजाब रेजिमेंट सेंटर, जिसकी भर्ती भाई 15 मई से है, तो भाई ये भी कैंसिल नहीं है, ठीक है। इसमें भी आप स्पोर्ट्स वाले जा सकते हैं, जो मैंने आपके सामने ये भाई जो चार्ट बनाया मैंने, ठीक है भाई, रिलेशन और स्पोर्ट्समैन भर्ती वाले, इसमें भाई ये सब बंदे जा सकते हैं और ये भर्ती भाई कंफर्म है, ठीक है। और जो चार्ट हमारे आ गया है, हाँ फिर हम लेके चलते हैं भाई आपको। अगर आप स्पोर्ट्स से भर्ती देखते हो, ठीक है भाई, तो आप सबसे पहले किस में एंट्री करोगे, तो भाई मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जो आपकी भाई यहाँ पर लिखी है एंट्री, ठीक है भाई, ये एंट्री है, यहाँ पर एज दी है आपकी, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन कौन सी मांगनी चाहिए, और भाई आपको बता देता हूँ जो आपके गेम है स्पोर्ट्स वाले वो कौन से होने चाहिए, कौन सी जो एंट्री के लिए, ठीक भाई, कौन सी एंट्री के लिए। और भाई यहाँ पर जो इन्होंने लिखी है अचीवमेंट आपकी, कौन कौन सी अचीवमेंट लेवल होनी चाहिए, और यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है भाई जो आपकी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई आप ये, मैं जो इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, जो आपका स्पोर्ट्स का जो यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स के गेम होंगे वो आपके स्पोर्ट्स कौन से में आते हैं वो आप ये देख लेना, ठीक है भाई, यहाँ पर ये वाले, ठीक है। और फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर भाई आप डायरेक्ट यानी कि स्पोर्ट्स से भर्ती देखते हो और आपका यानी कि रनिंग निकल जाती है और पेपर भी क्लियर हो जाता है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आप किस में एंट्री करोगे डायरेक्ट, तो भाई आप डायरेक्ट एंट्री करोगे नायक सूबेदार में, ठीक है भाई, नायक सूबेदार में एंट्री करोगे। और वो कौन कौन से गेम होने चाहिए तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए भाई वो 17.5 से 24 साल होनी चाहिए, उसके बीच में होनी चाहिए, अगर उससे कम या ज़्यादा होगी तो आप इस एंट्री में एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। फिर भाई आपको मैं बता देता हूँ इसकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास 10वीं होनी चाहिए, ठीक है। और भाई आपके पास कौन सा स्पोर्ट्स जो सर्टिफिकेट है जिसमें आप कौन से खेल में अचीवमेंट यानी कि लिए है, कौन से यानी कि खेल से आप खेले हो, तो भाई यहाँ पर आपके गेम दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख लेना, यानी कि आपने फुटबॉल से खेला, बॉक्सिंग से खेला, क्रिकेट से खेला, जूडो कराटे से खेला, या किसी से भी खेला, रेसलिंग थे, तो यहाँ पर वो आपके मेंशन किए हुए हैं, आप देख लेना। अगर आपने इस गेम से पार्टिसिपेट किया है और आपके पास इस गेम का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो भाई आप सीधे डायरेक्ट नायक यानी कि नायक सूबेदार लगोगे, ठीक भाई, जो नायक होते हैं। और जो आपकी यहाँ अचीवमेंट है भाई वो यहाँ पर दी हुई है, आप एक बार ये इसको पढ़ लेना, ठीक है, ये आपकी अचीवमेंट है यानी कि कौन कौन से लेवल से होनी चाहिए इस स्पोर्ट्स के लिए। और यहाँ पर जो भाई आपकी पोजीशन है, यहाँ पर ये पोजीशन यानी कि आपके पास कौन सी ईयर का होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है, आप इसको पढ़ लेना। तो भाई आपको मैं इसको पढ़ के बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो और फिर चलते हैं भाई उसके बाद। अगर भाई अगर डायरेक्ट एंट्री अगर आप हवलदार में करोगे, ठीक है भाई, अगर स्पोर्ट्स से भर्ती देखोगे तो सीधे आपकी हवलदार में एंट्री होगी। और आपकी क्या एज होनी चाहिए भाई, एज यहाँ पर आपकी 17.5 से 23 साल होनी चाहिए, 10th आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 10th पास होनी चाहिए। और जो आपके खेल हैं भाई वो यहाँ पर आपके खेल हैं एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, जो भी हैं आपके वो यहाँ पर आप पढ़ लेना। अगर इस खेलों में से आपके आते हैं तो आप डायरेक्ट भाई यानी कि हवलदार बनोगे। और भाई जो आप यहाँ की वो दे रखी है अचीवमेंट लेवल, कौन कौन सी अचीवमेंट होनी चाहिए यानी कि कौन से लेवल से होनी चाहिए, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, तो यहाँ पर वो मेंशन की हुई है, आप पढ़ लेना। और भाई यहाँ पर जो पोजीशन होनी चाहिए वो यहाँ पर है, ठीक है भाई, कौन कौन सी ईयर होनी चाहिए यानी कि किस प्रकार से आपकी लेवल और जो ईयर स्टैंडर्ड की जाती है। फिर है भाई यहाँ पर, फिर चलते हैं जो एज ए सोल्जर, अगर जो क्या है कि भाई जो स्पोर्ट्स से भी देखते हैं वो सोल्जर भी लगते हैं, ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए, एज यहाँ पर इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, ठीक है भाई, इन्होंने यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि एज एप्लीकेशन वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्जर इंट्री, ठीक है, किल्स सोल्जर, जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, या ठीक है भाई, और एनए नर्सिंग असिस्टेंट, तो इसमें आप भर्ती हो सकते हो, ठीक है भाई, जो सोल्जर में। और यहाँ पर भाई जो आपके गेम होने चाहिए, ठीक है भाई, ये आपके गेम होने चाहिए, तो आपको मैंने बता दिया, आप इनको पढ़ लेना। और आपकी जो अचीवमेंट लेवल है भाई वो इस प्रकार से हैं, आप इनको भी पढ़ लेना, जो भी कुछ भी है इसमें, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, जो भी कुछ है। और भाई
यहाँ पर जो पोजीशन है यहाँ पर मेंशन नहीं करती है सोल्जर, खाली सोल्जर में, ठीक है भाई। तो दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स की भर्ती देखते हो तो भाई डायरेक्ट आप भाई नायक और हवलदार बनते हो भाई। हवलदार में भी भाई काफ़ी टाइम लगता है, नायक बनने में भाई समथिंग 6-7-8 साल लग जाते हैं एक फीत लगने में। तो मैं उसके भी ऊपर जल्दी से वीडियो लाऊँगा कि हवलदार में कितना टाइम लगता है, नायक में कितना टाइम लगता है, मेजर में कितना टाइम लगता है। तो उस वीडियो को भाई आप ज़रूर देखना। और इस वीडियो को मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो में ये भी बता दिया कि भाई अगर आप कौन सी सेंटर में जाना चाहते हो तो उसकी भर्ती कैंसिल हुई है नहीं हुई, ठीक भाई। तो मैंने आपको इस वीडियो में फुल आपके जो कन्फ्यूजन थे वो क्लियर कर दिए। और भाई मैं आपसे एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि समथिंग 2-3 दिन से मैं किसी भी भाई के कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैं रेगुलर क्या कि आज शाम को आपके कमेंट का जरा जवाब ज़रूर दूंगा, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ भाई बोल रहे हैं कि आप भाई जवाब नहीं दे रहे हो 1-2 दिन से। तो रेगुलर भाई मैं सबके जवाब देता हूँ, पर आज मुझ पर कुछ काम था इसलिए 1-2 दिन से, तो इसलिए भाई मैं जवाब नहीं दे पाया। तो आशा करूँगा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर देना। भाई वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों ग्रुपों सबके साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो आशा करूँगा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर से तो जय हिंद, वंदे मातरम।